तो मैंने कोई इंट्रो वीडियो रिकॉर्ड नहीं करी थी एट द टाइम ऑफ द अदर फुटेज रिकॉर्डिंग, तो अभी घर में बैठे करनी पड़ रही भाई, कोई नहीं, थोड़ा टॉयलेट कर लेना। तो वेलकम करता हूँ एक ब्रांड न्यू वीडियो में। फर्स्ट ऑफ ऑल हैप्पी न्यू ईयर टू एवरीवन जो जो वीडियो देख रहा है भाई। अगर चैनल पे न्यू हो तो भाई आप लोगों को एक बड़ा ही अच्छा संदेश मेरी तरफ से, सब्सक्राइब कर देना यार चैनल को प्लीज, बड़ी मेहनत कर रहा हूँ यार, ठीक है। तो वीडियो स्टार्ट करते हैं और आज की वीडियो होने वाली है कि मैं अपनी बाइक में ABS डिलीट कर रहा हूँ। नो ABS मोटर, नो अदर पाइपलाइंस, डायरेक्ट हमारा जो फ्रंट लीवर होता है, जो हमारा मेन मास्टर सिलेंडर होता है ब्रेक का, वहाँ से डायरेक्ट कैलिपर में स्ट्रेट पाइपलाइन जाएगी फॉर द बेटर ब्रेकिंग। ऑफकोर्स ऑन रोड्स ABS मुझे इतना कुछ खास अच्छा लगा नहीं, और अगर बाइक हैवी नहीं है तो ABS का इतना मजा भी नहीं है। तो और मैं भी वैसे भाई नॉन ABS बाइक चला के ही बड़ा हूँ, पिछले आई थिंक 8 साल से नॉन ABS बाइक चला रहा था मैं। हिमालयन और जस्ट लाइक मेरी X12 ये ही मेरी ABS बाइक्स थी, इससे पहले मैं सारी नॉन ABS बाइक्स चला रहा था। प्रीटी मच फैन ऑफ अ नॉन ABS व्हीकल आप कह सकते हो। तो आज की वीडियो इसी बारे में, तो वीडियो एंजॉय करो, काफ़ी चीज़ें थोड़ा सा फास्ट हो गई हैं। तो किसी को वीडियो के अगर इसके बारे में कोई और क्वेश्चंस हो तो भाई मेरे को कमेंट डाउन कर देना, स्पेसिफाई वीडियोज अगर किसी को किसी कंटेंट किसी चीज़ के बारे में चाहिए तो भाई उसके लिए कमेंट डाउन कर देना। वीडियो एंजॉय करो, आप लोगों को मिलते हैं आगे। तो भाई हाल ऐसे हैं, अभी ब्रेक पाइप हमने ABS मोटर हटा दी और इसमें यहाँ से डायरेक्ट सिंगल ब्रेक लाइन लगा दी कैलिपर तक। अभी ब्लीडिंग वगैरह करी है, तेल खिंडा हुआ है, काफ़ी ज़्यादा सफाई होएगी इसकी, उसके बाद एक दो दिन चलने के बाद बिल्कुल ओके ब्रेक हो जाएंगे। अभी तो काफ़ी हद तक ओके हो गए हैं। टैंक उतारा हुआ है क्योंकि ABS मोटर हटानी थी, कनेक्शन हटाने थे, और इसका मैंने बड़ा बढ़िया जुगाड़ किया है। मैंने पहले तो पन्नी लगा दी, सेंसर कपलर था जो ABS मोटर का उसके ऊपर, टेप थी नहीं हमारे पास, तो हमने टाई बेल्ट लगाया, टाइट कर दिया। उसके बाद मैंने कपलर को यहीं पे टाई बेल्ट से टाइट कर दिया, अभी यहाँ से कहीं जाएगा नहीं, इसकी भी दिक्कत नहीं बची। और थोड़ी गंदी ज़्यादा है, कपड़ा मार के पहले टंकी फिट कर देंगे इस पर, फिर आएगा काम करते हैं। हाँ तो भैया अभी टंकी लगा रहे हैं और हमारी यहाँ की थोड़ी सी रबड़ कटी हुई है, तो इसका जुगाड़ बनाया जा रहा है हमारे मैकेनिक जी के द्वारा, और जुगाड़ लगाएंगे इसमें, ठीक है। और उसके बाद जो हमारा शोकर का थोड़ा सा लेंथ बचा हुआ था हमने वही पूरा कर दिया। अभी हमारा शोकर पूरी लेंथ में है, पूरा स्ट्रेच हो गया है, हम जितना हमारा लेंथ हो सकता था मैक्स हाइट पर, ये पूरा नीचे आ गया नॉर्मल जितना, अब यहाँ से एक्स्ट्रा नहीं दिख रहा। अभी टंकी जुगाड़ पूरा कर देंगे, परमानेंट टंकी हिलेगी नहीं, फिर थोड़ा सा है इसके चारों तरफ एक रबड़ होती है जो टाइम के साथ रबड़ ख़राब होकर कट जाती है,
और अभी उसका पूरा जुगाड़ बना दिए हैं मालिक हमारे। हाँ जी भाई साहब, जुगाड़ तो बड़ा बढ़िया करते हो। एक नंबर जुगाड़ बना दूंगा ताकि यहाँ से अपनी जगह सही लेनी है। बोल दे भाई। ये लो भाई, इन्होंने बना दी रबड़। पार्सल है ना इसमें? पार्सल होगा। ये लो भाई, लगा से लगा देता है। फुल रबड़ का जुगाड़ बना दिया गया है। अंदर को देना उसके उठा के, अंदर से लगा देना रबड़। नहीं, अंदर से क्यों लगाए ना? और आगे डालनी पड़ेगी टंकी थोड़ी सी। कर, हाँ अब आ गया ना। कर, कॉर्नर फैट हो जाएगा, नीचे भी ऊपर भी हो जाएगा रबड़ ना, तो प्रेस करके हो जाएगा। ये लो भाई, भी चाहिए इसको, बिल्कुल फिक्स नहीं कर सकते ना, टैंकी में वाइब्रेशन आ जाएगा, इसलिए वो बनाया, समझ रहे हो? इसलिए कंपनी को देती है ऐसे बना करके। ये भी प्लस पॉइंट है, बिल्कुल फिक्स लो भाई, देते हैं। सीख लो भाई, सीख लो। इस चक्कर में साला ये पैनल टूट जाएगा, इधर भी टूट जाएगा। सीख लो भैया, सीख लो, इन्फॉर्मेशन ले लो। लचक है ना थोड़ी सी? हाँ, अभी इन्फॉर्मेशन मिल रही है तुम्हें, फ्री का ज्ञान मिल रहा है, ले लो। ये चीज़ें सब नहीं बताते, तो नहीं ये चीज़ें हर बंदा नहीं बताएगा आपको। तो बाइक ऑलमोस्ट पूरी होगी, दोनों साइड के पैनल लगाते हैं, सीट लगाते हैं, उसकी टेस्ट ड्राइव लेके आते हैं। अभी ब्रेक कैसे फील हो रहे हैं और हाइट देखते हैं, हाइट कितनी और बढ़ गई है अभी बाइक की। ठीक है, तो मिलते हैं ज़रा थोड़ी देर में आपको। हाँ तो भैया, जैसा अभी आपने देखा, बाइक का सारा हमने सब कुछ वापस पैनल में लगा दिए हैं। अभी बाइक पूरी पैक हो गई है, हाइट 1 इंच के आसपास से और इंक्रीज हो गई, हमने 1 इंच के आसपास छोड़ दिया था पहले जब हमने डाला था उसको। ठीक है, अभी 1 इंच की हाइट बढ़ेगी। हमारे ब्रेक अब ABS की सारा तामझाम निकाल के फेंक दिया मैंने, सिर्फ कपलर बचा है वहाँ पे, जो लगा रहना ज़रूरी है क्योंकि उसको निकाल नहीं सकते, वायरिंग का एक पार्ट है, नहीं तो मैं उसको भी निकाल के फेंक देता। हमने बाइक को डायरेक्ट बना दिया नॉन ABS, जैसे पहले नॉर्मल बाइकें आती थी अपनी। और मैंने एक्चुअली नॉन ABS बाइकों पर ही सीखा है बाइक चलाना अच्छे से, और मुझे वही ब्रेक ज़्यादा अच्छे लगाने आते हैं, ABS मुझे अच्छे से नहीं करने आते यूज़। उसको यूज़ करता हूँ तो कई बार फीडबैक ऐसे रिटर्न फीडबैक आता है, एकदम स्लगिश सा फील होता है, तो मेरे से ब्रेक अच्छे से लगते नहीं थे। ABS, हाँ मैं मानता हूँ ABS आपकी अगर बाइक ज़्यादा पावरफुल है, ट्विन सिलेंडर है या फिर आपकी इनलाइन 4 है, इनलाइन 3 है, तो वहाँ पे ABS बहुत फ़ायदेमंद रहता है, मैं ये बात मानता हूँ, क्योंकि बाइक की स्पीड ज़्यादा होती है, बाइक कई बार हैंडल नहीं होती, अगर हाई स्पीड में टायर लॉक हो जाए तो बाइक सीधा आपकी टायर पर फ्लिप खा सकती है, तो वहाँ पर ABS बहुत अच्छा रहता है। पर जहाँ पर मेरी बाइक स्पीड भी नहीं पकड़ती ज़्यादा, तो वहाँ पे मुझे ABS ज़रूरत नहीं हो, थोड़ा बहुत ऑफ रोडिंग में चलाते हैं तो वहाँ पे ABS बिल्कुल काम नहीं आता, क्योंकि ऑफ रोडिंग में ABS आपको गिरा भी सकता है बुरे तरीके से, अगर टाइम पे ब्रेक नहीं लगे, टायर स्लो नहीं हुआ तो सीधे नीचे जाओगे ऑफ रोडिंग में ABS के साथ। तो नॉर्मल जब भी बंदे ऑफ रोडिंग करते हैं तो वो सब ABS बंद कर लेते हैं पहले ही, ज़्यादातर लोग क्या नाम है, या तो अपनी वायर ABS जो सेंसर वायर होती है ABS की वो निकाल के रख लेते हैं, या तो लोग फ्यूज़ निकाल देते हैं ABS का, सब लोग ऐसे ABS बंद करते हैं नॉर्मली। तो अभी हमारी बाइक हो गई है ओके, बाइक की ऑलमोस्ट हाइट भी थोड़ी बहुत बढ़ गई है, अभी मुझे तो काफ़ी अच्छी लग रही है, अभी चलाने के बाद पता चलेगा कैसी चल रही है। ब्रेक अभी थोड़ा टाइम लेंगे क्योंकि अच्छे से रिस्पॉन्स आने में थोड़ा बहुत टाइम लगता है, उन्होंने ABS जब न्यू ब्रेक लीड करते हैं, तो अभी थोड़ा टेस्ट ड्राइव लूँगा। और संडे आ रहा है, आज है फ्राइडे, तो संडे को बाकी पूरा हो जाएगा इसका काम, तो मिलते हैं आप लोगों को जल्दी।